दोस्तों, आपने अभी तक कई खंडहरों और भूतिया जगहों के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी मॉडर्न भूतिया सिटी के बारे में सुना है? जी हाँ, आपने सही सुना। मॉडर्न सिटी यानी जहाँ एक इंसान के रहने के लिए जितनी भी सुविधाओं की जरूरत होती है, वो सारी सुविधाएं वहाँ मौजूद हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंग, शानदार सड़कें, पानी, बिजली, बाजार और जितनी भी एडवांस चीजों की हमें जरूरत होती है, वो सभी चीजें इस मॉडर्न शहर में मौजूद है। लेकिन फिर भी इतनी सुविधाओं के बाद भी इस मॉडर्न सिटी में कोई नहीं रहता है और ना ही कोई यहाँ आना चाहता है, जिसके बाद इस शहर का नाम भूतिया शहर पड़ गया है। ये शहर मौजूद है चीन में, जो पूरी दुनिया में अपनी टेक्नोलॉजी के लिए मशहूर है, लेकिन उसके द्वारा बनाया गया इतना एडवांस शहर आज वीरान पड़ा है। आखिर क्या कहानी है इस शहर की, क्यों लोग यहाँ नहीं रहते हैं और क्यों इस शहर को भूतिया कहा जाता है? क्या इस शहर में भूतों का राज है या फिर कोई और राज है जो यहाँ छिपा है? इस वीडियो में आप इन्हीं सभी सवालों के जवाब जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, चीन की ओल्डर सिटी दुनिया की सबसे एडवांस सिटी मानी जाती है, लेकिन दोस्तों सबसे हैरानी की बात यह है कि सिटी में इंसान नाम का प्राणी दूर दूर तक नजर नहीं आता है। यहां नजर आता है तो सिर्फ सन्नाटा, जिसके कारण इसे दुनिया की सबसे बड़ी घोस्ट सिटी कहा जाता है। न्यू ओल्डर मेट्रोपोलिस शहर चीन के उत्तर क्षेत्र में ओल्डर रेगिस्तान के पास है। ओल्डर सिटी चीन के इनर मंगोलिया रीजन के पास स्थित है। इसे कांगबाशी भी कहा जाता है। ये वही क्षेत्र है जहां चंगेज खान का जन्म हुआ था। यहां 17% आबादी मंगोल लोगों की है, जबकि बाकी हान यानी मूल चीनी है। 2009 में सिटी के घोस्ट सिटी बनने की खबर सामने आई थी। एक फोटोग्राफर द्वारा इस शहर की खींची हुई कुछ तस्वीरों में इस शहर में बने हुए घर और सड़कें सुनसान दिखाई दे रहे थे, जिसके बाद से इसे घोस्ट सिटी कहना शुरू कर दिया गया। वहीं इस शहर की स्ट्रक्चर की बात करें तो चीन के इस शहर में अंतरराष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम और प्लाजा बनाए गए हैं। बावजूद इसके, इस शहर में केवल 20,000 लोग ही रहते हैं। इतना ही नहीं, यहां पर बने हुए कई घर खाली रहने के चलते टूट फूट भी गए हैं। इस शहर को 10,00,000 लोगों के लिए बनाया गया था, लेकिन यहां मात्र 2% ही लोग रहते हैं। हालांकि चीन की सरकार इस शहर में लोगों को बसाने की कई कोशिशें कर रही है। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले कुछ सालों में इस शहर से घोस्ट सिटी होने का टैग हट जाएगा और यह शहर भी आम शहरों की श्रेणी में आ जाएगा। दोस्तों, यहां सवाल यह भी आता है कि आखिर इतनी एडवांस सिटी होने के बाद भी ये इतनी वीरान क्यों है? क्यों यहां लोग आने से कतराते हैं? क्या यहां सच में भूत रहते हैं या फिर कोई और कारण है कि लोगों की जगह यहां वीराना दिखाई देता है? आखिर क्या कारण है ये मॉडर्न सिटी इतनी खाली पड़ी है? तो दोस्तों, बता दें कि इस कहानी की शुरुआत साल 2004 से शुरू हुई थी, जब यहां की सरकार ने ओल्डर सिटी के विकास की नींव रखी। न्यू ओल्डर शहर के डेवलपमेंट के लिए चीनी सरकार ने $1 अरब यानी करीब 6 करोड़ रुपए लगाए थे। उसे शहर के तीव्र विकास की उम्मीद थी। यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई गई जो आर्किटेक्चर का उम्दा मिसाल है, लेकिन चीनी सरकार का आसमानी उम्मीदों का ये बुलबुला फूट गया। बहुत से निर्माण कार्य डेडलाइन में पूरे नहीं हो पाए, लोन्स का भुगतान ही ना हो सका, इन्वेस्टर्स ने प्रोजेक्ट पूरे होने से पहले ही हाथ खींच लिए। इसका नतीजा ये हुआ कि जगह जगह अधूरी इमारतों की भरमार हो गई। दूसरी तरफ मकानों की कीमतें इतनी ऊंची रख दी गई कि जो लोग यहाँ रहना भी चाहते थे वो पीछे हट गए। इसके चलते पूरे हो चुके अपार्टमेंट्स का बिकना भी मुश्किल हो गया। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि इस शहर को 10,00,000 से ज्यादा लोगों के लिए तैयार किया जा रहा था, लेकिन फिलहाल यहाँ 20,000 के करीब लोग रह रहे हैं। ये स्थिति भी तब है जब पिछले 5 साल में प्रॉपर्टी की कीमतें 1/3 रह गई हैं। फ्रेंच फोटोग्राफर राफेल ओलिवर ने न्यू ओल्डर शहर का दौरा किया और यहां सड़कों और विभिन्न इमारतों की तस्वीरें खींची। उन्होंने इस प्रोजेक्ट को अफेल यूटोपिया नाम दिया। दोस्तों, इस शहर को लेकर लोगों की अपनी अपनी राय है।
कुछ लोगों का कहना है कि ऑर्डोस सिटी के खाली रहने के कारण यहां ओवर बिल्डिंग होना है। चीन में ऑर्डोस सिटी एक अकेला ही ऐसा शहर नहीं है जो भूतिया शहर कहलाता हो। यहां कई और भी ऐसे शहर हैं जो वीरान और घोस्ट सिटी के नाम से जाने जाते हैं। चीन की चिंगोंग सिटी, ननहुई न्यू सिटी, लांचो और दांतु सिटी भी ऑर्डोस सिटी की ही तरह घोस्ट सिटी हैं। चेंगोंग सिटी में हाल ही में बनाए गए आवासों में से अधिकांश आवास अभी भी खाली हैं, हालांकि उम्मीद की जा रही है कि अगले कुछ सालों में यहां पर लोग रहना शुरू कर देंगे। दोस्तों, एक टाइम था जब लांचो शहर की सिल्क रोड को इकोनॉमी बेल्ट का हीरा माना जाता था, लेकिन धीरे धीरे इस शहर में लोगों ने आना बंद कर दिया। दरअसल चीनी लोग इस शहर को भूतों का शहर मानने लगे हैं। इस शहर को लेकर चीन के कुछ सपने हैं। चीन का पहला सपना यह है कि वो मूलभूत सुविधाओं में खर्चा कर अपने पश्चिमी क्षेत्रों को आर्थिक मुख्यधारा में लाए, और दूसरा सपना प्राचीन सिल्क रोड को पुनर्जीवित करके एशिया के दिल में अपनी जगह मजबूत कर सके। 315 स्क्वायर मील का यह बड़ा शहर बनाने के लिए सैकड़ों चट्टानों को बुलडोजर के जरिए सपाट किया गया था, लेकिन आज क्रेन प्लांट इंडस्ट्रियल एरिया में खाली खड़ी हैं। यहां रहने वालों के लिए बनाई गई इमारतें और गलियां भी खाली पड़ी हैं। विदेशी एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस प्रोजेक्ट के सही से काम न करने के दो कारण हो सकते हैं। एक तो ये कि चीन के आर्थिक मॉडल में क्या कमी है, और दूसरा ये कि कर्ज किस तरह खतरनाक लेवल तक बढ़ रहा है, खासकर तब जब सरकार धीमी चल रही अर्थव्यवस्था को कुछ ऐसे प्रोजेक्ट के साथ सुधारने की कोशिश में लगी है जिनका कोई अर्थ हो, उपयोग हो। तियान डुचेंग शहर चीन का सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है। यहाँ की आलीशान इमारतें, सड़कें और शानदार घर इसकी खूबी में चार चांद लगाते हैं। इस शहर की सबसे निराली बात यहाँ बना एफिल टावर है, जो हकीकत में तो पेरिस में ही है, लेकिन चीन ने इस शहर को पेरिस की तर्ज पर तैयार किया है ताकि यहाँ लोग ज्यादा से ज्यादा रहने के लिए प्रेरित हो सकें। लेकिन चीन यहाँ भी फेल हो गया। 1,00,000 लोगों के लिए बनाए गए घर अब खंडर हो चुके हैं। यहां मुश्किल से 20,000 लोग ही रहते हैं, बाकी शहर सुनसान रहते हैं। दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन में हर साल 20 नए शहर बन रहे हैं, लेकिन यहां शहरों से लोग दूरी बना रहे हैं। इतना ही नहीं, एक हैरान कर देने वाला आंकड़ा भी इस रिपोर्ट में सामने आया है, जिसके मुताबिक 3.5 करोड़ से ज्यादा लोग आज भी चीन में गुफाओं में रहते हैं। यहाँ के शांसी प्रांत में सबसे ज्यादा लोग गुफाओं में निवास करते हैं, और उनका यहाँ गुफाओं में रहने का कारण इन मॉडर्न शहरों के घरों के महंगे दाम हैं, जो चीन की जनता अफोर्ड नहीं कर पाती, और ये शहर वीरान ही रह जाते हैं।